गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम भी बहुत अच्छे हैं। अभी हम ले मार्केट घूम रहे हैं और ले मार्केट में हम लोग आए कुछ खाने के लिए। सॉफ्टी खाएंगे, चीलम क्या बोलेंगे तुम भी, चीलम बोलेंगे। इतनी अच्छी चीज़ को चीलम बोलते हैं क्या रे। तो आ गया अपना सॉफ्टी, 50 रुपये का एक। सॉफ्टी खाते खाते हम लोग अभी ले मार्केट घूमेंगे। और ये ऑफ सीज़न चल रहा है इसलिए ना ले मार्केट, बस यही जो रास्ता है ना इस पर ही थोड़ी सी भीड़ लग रही है। बाकी तो पूरा जो एरिया है वो पूरा खाली है, सुनसान पड़ा हुआ है। इसको क्या बोलते तुम लोग? नहीं, इसे बचपन में बोले, बचपन में हमारे गांव में जाता था ना, इसको चीलम बोलते थे। चीलम? ये चीलम इसको बोलते थे, आइसक्रीम को नहीं। अच्छा, चीलम जैसा शेप है इसलिए। हाँ। गजब बेइज्जती है भाई आइसक्रीम की। चीलम बोल दिया। देखो मेरे ऊपर हंस रहा था, मेरा ये फूट गया तो देखो उसके ऊपर भी गिर गया। वाह, ऐसा लग रहा है कौवा चीट कर गया। चल आगे जाते हैं, थोड़े घूम के आते हैं, उधर से पूरा माहौल लेके आते हैं। एप्पल जो है ना, एप्पल की क्वालिटी देखो, लोकल एप्पल है। ड्राई फ्रूट्स के मार्केट भरे भरे हैं यहाँ पे। इधर भी शायद एटीएम वगैरह है। और हर बार आते हैं, हर बार यहाँ जाने का सोचते हैं, बट एक भी बार नहीं जाते। उसका हाइट देख के डर लग जाता है। किला है, फोर्ट है ना, ये ले फोर्ट है। और ये जो है ना पश्मीना के है ये सारे, इनकी प्राइस सुन के ही ना कान से खून आने लगता है। ये कुछ नया लग रहा है, एप्पल ही है। हर घर तिरंगा, फ्लैग लेने अपने को। ले यही साइज वाले फ्लैग ले ना। नोटबुक देखता हूँ, अच्छा सा हुआ। ये तो है ना इधर में दीदी, फ्लैग दो ना और नोटबुक भी। ये कितना मस्त लग रहा है। लेडीज देखो, वो है हमने इधर भी देख लिया। इसके लिए फ्लैग लेने थे तो फ्लैग ले लिया अपने। अभी पूरा सुनसान पड़ा हुआ यार, इतना भी ऑफ सीजन नहीं होना चाहिए लद्दाख में। हाँ तो ऐसे लग रहा है लेह में घूम रहे ना। ज्वेलरी की शॉप्स है बहुत सारी। लेह मार्केट के बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे आपको। ये पश्मीना, ये बहुत महंगा था क्या? किसके लिए? वो रहा ऊपर में फोर्ट। हाँ बस यही एक रास्ता है, ये ऐसा स्क्वायर रास्ता है बस इतना ही है ले मार्केट, ज़्यादा बड़ा है नहीं। ओ माय गॉड, यहाँ पे बहुत ठंडे रे, बहुत हवा लग रही है। आप बहुत सारी शॉप्स है यहाँ पे, पेंटिंग की भी शॉप्स है। क्या कर दिए तुमने भी? वो अंदर में खा रहा था ना। हाँ कुछ खा रहा था भाई, तो वो हंस के बोलता है, हम बोले
तो उनको तेरा कुल्फी चाहिए होगा ये। यहाँ से सामान लिया था मैंने लास्ट टाइम। कुछ लेना है क्या तुझे? आपको लेना है? नहीं मुझे नहीं लेना है कुछ भी, लास्ट टाइम लिया था, अभी नहीं लेना है कुछ। ग्रोसरी है पूरा, सब सामान है वहाँ पे। बादल मस्त आए हुए हैं, मौसम साफ है यहाँ का अभी फिलहाल। और ये पूरा ले का मार्केट खाली पड़ा हुआ। चलिए ये एक साइड और ये है इसका दूसरा साइड, बस इतना ही है ले मार्केट, इससे ज़्यादा तो है नहीं। और वो भी अभी खाली खाली पड़ा हुआ है, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और 12:30 में भी इतना कम भीड़ है। चलो निकलते हैं यहाँ से, अभी रूम पे जाते हैं, काम करना है, वीडियो एडिट करनी है। ठीक हम ये एडॉप्शन के लिए है क्या? हाँ एडॉप्शन के लिए, अच्छे हैं बाबा, बड़ा वो बहुत अच्छा है। अब देखो यहाँ पे एडॉप्शन के लिए भी आपको पिल्ले मिल जाएंगे, कितने सारे हैं ये देखो, पूरा उनका केयर कर रहे हैं। वाह अभी तो ये नया है, ठीक है अच्छा, ऐसे रन किया कि लगा ओली बेबी, ओह माय गॉड, नहीं दिस इज नॉट, दिस इज योर्स, कलर इतना सेम है मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। हाँ इसके जैसा एक और है ना। तो इनको पूरा साफ कर रहे हैं, मतलब वॉलंटियरिंग करके इनको पूरा साफ क्लीन करके फिर इनको ये देंगे एडॉप्शन के लिए। क्या बात है यार, सही है ये, अच्छी बात है। वाओ एवरी डॉग डिजर्व अ होम, एवरी बींग का नीड अ लॉयल कंपेनियन, आई कैन बी अ गुड फ्रेंड, टेक मी होम, एडॉप्ट डोंट शॉप। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है यहाँ पे ना, ये स्ट्रे डॉग्स के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे ये ला करके देखो उनका कितना केयर करके इनको अडॉप्शन के लिए रेडी कर रहे हैं और प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करके ये अडॉप्शन करवा रहे हैं। वाह, क्योंकि अभी हो जाएगा ठंड का सीज़न तो ये बिल्ले जो है बच्चे जो है कहाँ जाएंगे पता नहीं, इधर उधर कहीं भी भटकते फिरेंगे, मर जाएंगे रास्ते में, इसलिए ये बहुत अच्छा स्टेप्स है। और बहुत लोगों का सपना होता है कि लद्दाख का डॉग लेके जाए, लद्दाख का कुत्ता लेके जाए, हमने भी लेके आए थे बट वो उत्तराखंड से लिया था हमने, और अभी आपको पता ही होगा कि कितना बड़ा हो गया है। आप भी चाहो तो यहाँ से आप ले जा सकते हो, ये बहुत अच्छी स्टेप है इन लोगों के लिए हुई। क्या बात है मस्त, मैं इनसे पूछता हूँ इनका ये फाउंडेशन का नाम क्या है, अगर कोई डिटेल्स होगी तो आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये देखिए ये है इनका जिसमें एनिमल वेलफेयर और QR कोड है, यहाँ पे आप डोनेट कर सकते हो। इनका ये इंस्टाग्राम का है, यहाँ पे आप डोनेट कर सकते हो। तो ये देखो ये एक बच्चा जो है वो अडॉप्ट कर लिया है इन्होंने, क्या बात है। अच्छा मैम आपका नाम? मेरा नाम ज़ैनब संधू है। ओके, और आप ये फाउंडेशन से कब से जुड़े हो? मैं यहाँ पर सिर्फ वॉलंटियर कर रही हूँ और ऑन बिहाफ ऑफ चेस्पा फाउंडेशन मैं जितने भी व्यूअर्स हैं जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे या देख रहे हैं उनको सिर्फ मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में हम लोग एनिमल्स को लेकर और खासकर स्ट्रे डॉग्स को लेकर हम लोग यहाँ पर काफ़ी काम कर रहे हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रे डॉग्स
जो है अडॉप्ट हो जाए, और टाइम टू टाइम हम यहाँ पर जो है एक अडॉप्शन कैंप जो है चेस्पा एनिमल वेलफेयर, आप देख सकते हैं ये उनका QR कोड है, चेस्पा एनिमल वेलफेयर जो है टाइम टू टाइम यहाँ पर एक अडॉप्शन कैंप ले मेन बाज़ार में लगाती रहती है, और ले डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में जहाँ पर भी उनको लगता है कि कुछ डॉग्स ऐसे हैं जिनको घर नहीं है या जो खाली रोड पे पड़े हुए हैं, उन्हें देखने वाला कोई नहीं है, तो उन्हें वो रेस्क्यू कर यहाँ पर इस अडॉप्शन कैंप में ले आते हैं। तो जितने भी लोग हैं शायद जो लद्दाख के हों या लद्दाख के आसपास के एरिया के हों, अगर चाहते हैं तो इस अडॉप्शन कैंप में आकर इन डॉग्स को अडॉप्ट भी कर सकते हैं, और आप लोग वॉलंटियर भी कर सकते हैं, और किसी के पास अगर टाइम ना हो डॉग्स को अडॉप्ट करने का या वॉलंटियर करने का, तो आप डोनेशन भी दे सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, जितना भी आप डोनेट कर सकते हैं। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये प्रॉब्लम स्ट्रे एनिमल्स का प्रॉब्लम जो है ये सिर्फ लद्दाख का नहीं है, ये बहुत सारी स्टेट्स और बहुत सारी जगह का ये प्रॉब्लम है, और स्ट्रे एनिमल्स का प्रॉब्लम हम लोगों से खुद शुरू होता है, क्योंकि हम में से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इन एनिमल्स को अबैंडन कर देते हैं, बाजारों में हम लोग छोड़ देते हैं, जिसके बाद वो स्ट्रे एनिमल्स बन जाते हैं। तो एक हार्ट फेल्ट रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आप लोग अपने डॉग को किसी भी रीज़न से आप लोग पाल नहीं पा रहे हैं, तो प्लीज़ एक प्रॉपर चैनल को अप्रोच करिए, किसी एनिमल सोसाइटी को अप्रोच करिए, और उसको एक अच्छा और बेहतर घर ढूंढने में प्लीज़ कोशिश करिए। थैंक यू सो मच मैम। अभी लद्दाख आते हैं, और जिनको यहाँ का लद्दाख का डॉग लेके जाना है, मुझे तो लेके जाना था, हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी, लास्ट टाइम हम लोगों ने उत्तराखंड से लेके भी गए थे, तो अगर है इंटरेस्टेड कोई तो यहाँ से आप अडॉप्ट कर सकते हो, ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग बहुत अच्छे से केयर कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा ये काम। चलो अभी हम लोग जाते हैं रूम पे, यही था ले का मार्केट, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप अपना और उनका ख्याल रखना, सेफ रहना, सुरक्षित रहना, सैनिटाइज करते रहना, हो सकते पता जरूर लगा देना, टेक केयर, बाय बाय।